अभी मेरी बारी है, मुझे खेलने दे। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? दादाजी हम खेल रहे हैं। बेटा अगर खेलना है तो पार्क में जाके खेलो, बाहर खेलने से सेहत अच्छी रहती है और नए नए दोस्त अच्छे बनते हैं बेटा। अरे दादाजी, जो मजा मोबाइल पर खेलने का है आपको क्या पता? अरे बेटा, बाहर खेलने से दोस्त भी अच्छे बनते हैं और सेहत भी अच्छी रहती है। जब मैं अपने गांव में रहता था ना, तो हम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, कभी गुल्ली डंडा, कभी हॉकी, कभी फुटबॉल, इतनी गेम खेला करते थे। गांव की जिंदगी तो स्वर्ग जैसी होती है। अरे दादाजी, हम कितने सालों से आपसे ये बात सुन रहे हैं कि गांव की जिंदगी स्वर्ग जैसी है, गांव बहुत अच्छा है, गांव की जिंदगी बहुत अच्छी है, पर आप कभी लेकर तो जाते नहीं हो गांव, पता नहीं कब लेकर जाओगे। कोई बात नहीं बेटा, जाएंगे, जब भी टाइम लगेगा जाएंगे। पिताजी, अगर बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो आप इनको घुमा क्यों नहीं लाते गांव में? कल आप फ्री ही हो ना, आप इनको गांव घुमा लाओ और इसी बहाने बच्चे गांव देख आएंगे और इनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो फिर बेटा हम सब एक साथ जाएंगे? नहीं पिताजी, एक साथ तो नहीं जा सकते। आपको पता है, एक तो इनकी नई नई ट्रांसफर हुई है और ऊपर से मैंने भी नई नई जॉब स्टार्ट की है, तो मुझे भी छुट्टी मिलनी बहुत मुश्किल है। पिताजी आप ऐसा कीजिए ना, आप इस बार इनको घुमा लाइए, हम नेक्स्ट टाइम साथ में चलेंगे, क्यों बच्चों? ओके मम्मी। तो ठीक है बेटा, हम कल सुबह ही निकलेंगे। अरे वाह, मजा आ गया, हम दादाजी के साथ गाँव जाएंगे, वाह ये। देखो पिताजी कितना खुश हो गए बच्चे गांव के नाम से, आप इनको कल ही लेके जाना। दादाजी आज मम्मी ने कमाल कर दिया, हमको गांव जाने की परमिशन दे दी, हम कल ही गांव जाते हैं, प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। चलो बच्चों, चलते हम घूम के आते हैं। हाँ बच्चों, दादाजी का कहना मानना है अच्छा, और खूब मस्ती करना वहाँ पे जाके। ओके मम्मी। पिताजी आप भी इनका ध्यान रखना, ठीक है? मैं कहता हूँ बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं इनके साथ ही हूँ। ठीक है पिताजी। चलो बेटा, बच्चों नेक्स्ट टाइम हम साथ में चलेंगे। ओके बाय बाय। मैं तो बेटा चाहता हूँ कि तुम भी साथ चलती। कोई बात नहीं पिताजी, मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ चलूंगी। बाय बच्चों, खूब एंजॉय करना। अब हम पूरा गांव घूमेंगे। अब बच्चों मैं तुझे वो दिखाता हूँ जो मैं बचपन में देखा करता था। अरे बच्चों वो देखो। क्या दादाजी? वो है हमारे गांव का गुरुद्वारा साहिब। नमस्कार करो। अब टैले लग गई, मैं कितने साल बाद अपने गांव में आया हूँ और यहाँ पूरे घर ही बदल गए। यहाँ पे मिनी दीपू, ये है मेरा पुराना घर, मैंने पूरा बचपन यही बताया था, और मम्मा पापा के साथ मैं तो इतना खेलता था ना, मजा ही आ जाता था। आओ बेटा आओ। अरे मोहन, आप कब आए? नमस्ते सरदार जी। नमस्ते मोहन, क्या हाल है? ठीक है सरदार जी। आओ बैठो। नहीं सरदार जी, मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं, बैठो यार। और सुनाओ गांव का क्या हाल है? ठीक है सरदार जी। अरे यार, मेरा एक कोई यार होता था, करपाल सिंह, मैंने सुना वो कनाडा चला गया। हाँ सरदार जी, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा चला गया। अच्छा, मेरा एक यार और होता था, नरंजन सिंह। हम्म, वो आजकल कहाँ रहता है? वो भी पूरी फैमिली के साथ कनाडा रहने लगा। वो भी कनाडा चला गया, कमाल हो गया यार। अच्छा वो बलकार सिंह तो वही है, उसके बच्चे भी वही है कनाडा में, अच्छा है। और सुनाओ क्या हाल है? सरदार जी मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलो। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, तुम बताओ क्या बताना चाहते हो। मैंने आज शहर जाना है। शहर क्यों? क्योंकि मेरी बहन वहाँ अस्पताल में दाखिल है और मेरा जाना वहाँ बहुत जरूरी है। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी बीवी आपको खाना बना के दे दिया करेगी, आप टाइम से खा लेना। ठीक है, खाना तो हम खा ही लेंगे। तुम ऐसा करो,
अभी चले जाओ हॉस्पिटल, तो हम देख लेंगे। ठीक है सर दादी, हम आपके लिए अभी चाय लेके आते हैं। ठीक है। सभी बाहर चले गए। मैंने सोचा था कि अपने दोस्तों को मिलूंगा, पर वो सब चले गए, उनकी फैमिली भी चले गई। जी लीजिए सरदार जी। बच्चों आ जाओ चाय पी लो। आए दादाजी। तो मैं चलता हूँ सरदार जी। ठीक है मोहन। दादाजी आप तो बोलते थे कि गांव में बहुत दोस्त है आपके, लेकिन मोहन अंकल बता रहे हैं यहाँ पे तो कोई नहीं है। बेटा वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तुम दोनों ऐसा करो, पहले पूरा गांव घूमो और देखो, और जाकर खेलो दोस्तों के साथ। ये कमाल हो गया यार, सभी बाहर चले गए, गांव में कोई भी नहीं, बच्चे भी घूमने चले गए। ऐसा करता हूँ मैं, घूम के आता हूँ। दादाजी तो कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत हाँ बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, पर यहाँ पे तो कोई नहीं है। बस एक सिर्फ ये पेड़ वैसे का वैसा ही है, बाकी सब कुछ तो बदल गया। अरे दीपू मुन्नी तुम यहाँ पे बैठे हो? हाँ दादाजी। खेलने क्यों नहीं गए? दादाजी हम सारे गांव में घूमे पर हमें कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया, और हम किसके साथ खेले? तो बेटा कोई ना कोई मिलेगा उसके साथ खेलो। अरे दादाजी आप यहाँ कैसे आए? मैं बेटा ये जो पेड़ है ना बेटा, इस पेड़ के नीचे ना मेरा पूरा बचपन बीता था। यहाँ पे ना हम खेल खेला करते थे, ऐसे ना पांव से खुद्दी बनाया करते थे। खुद्दी क्या होता है? जैसे बेटा आजकल जैसे आपके मोबाइल में होता ना सब्जी। ही सब्जी नहीं दादाजी, पबजी। वही सब्जी जो भी है। तो हमारे जमाने में पांव से खुद्दी बनाते थे, और इतने कंचे होते थे हमारे पास, वो कंचे ऐसे फेंकते और जो कंचे बाहर रह जाते थे उसको फिर निशाना लगाते थे। बड़ा नराला खेल होता था तब। दादाजी हमें भी ये खेल सीखना है। बेटा वो तो समय के साथ बदल गया, अब तो नए नए खेल आ गए। हाँ गांव में अभी भी कोई खेलता होगा तो आपको मिल जाएगा। ऐसा करो गांव में जाओ, कोई ना कोई खेलता होगा तो उसके साथ खेल लो। जाओ बेटा। चलो जाओ। चलो चलते हैं गांव में। चलो, किसी ने तो विरसा संभाल के रखा हुआ है, दरवाजे पे गुरमुखी लिखी हुई है, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये भी दरवाजा बंद है, शायद ये भी बाहर चले गए होंगे। अरे गांव में तो नजर नहीं आता यार, देखो यहाँ भी ताला है। हाँ यहाँ भी ताला लगा हुआ है, यहाँ पे भी ताला है, मुझे तो समझ नहीं आती। दादाजी जो कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत दोस्त मिलेंगे, बहुत मजा आएगा, यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा, सारा गांव खाली है, हर घर पे ताला है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये लोग गए कहाँ? देखो यहाँ पे भी ताला आ गया, हर घर पे ताला। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि बाहर जाके लोग करते क्या है। मैंने सुना है कि यहाँ से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर मजदूरी का काम करते हैं। अरे तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ब्लू रंग तो वो भी तो है। पर आप आए कहाँ से हो? हम शहर से आए हैं, सुना है गांव में बहुत ही मजा आता है। पता नहीं, हमें तो लगता है शहर में ज्यादा मजा आता है, यहाँ तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। पर हमारे दादाजी तो कहते हैं कि गांव के बच्चे ज्यादा मजा लेते हैं, और आप कह रहे हो कि शहर अच्छा है।
हमें तो बहुत मजा आता था जब गांव में बहुत बच्चे होते थे। धीरे धीरे करके सभी बाहर चले गए। हम भी अपने मम्मी पापा को बोलेंगे कि हमें भी बाहर भेजो, हम भी देखें वहां क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, दादाजी तो कहते थे कि गांव में बहुत ही चहल पहल होगी, पर यहाँ पर तो सारा गांव खाली लग रहा है, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं, सुना है कि बाहर गए हैं, हमें तो समझ नहीं आती, शहर से भी बाहर जाके करते क्या है। आपका शहर कैसा है, आप वहाँ क्या करते हो, क्या खेलते हो? सुना है वहाँ के बच्चों के पास बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, बहुत मजा करते हैं वहाँ पे। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? संधू अंकल की जमीन ठेके पे ली है। तुम भी बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जॉब करते हैं और मेरे मम्मी भी जॉब करते हैं। और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा प्रेस का काम करते हैं। और तुम्हारे? मेरे पापा मजदूर हैं। और तुम्हारे? मेरे पापा खेत में काम करते हैं। हमको क्या लेना इन बातों से, चलो खेलते हैं। चलो। आए 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 दीपू, मिन्नी आए दादाजी। मिन्नी कहाँ हो? हाय दादाजी। दीपू, मिन्नी, किसी को बुलाकर लाओ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रही है। ठीक है दादाजी। भाग दीपू, सामने वाले घर पे पूछते हैं। आंटी, साड़ी दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। मैं तो तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि घर कोई भी नहीं है। आंटी, हमारे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। साड़े घर कोई नहीं हैगा, सारे कनाडा गए हुए हैं। अरे मिन्नी, अब क्या करें? चल कोई दूसरा घर देखते हैं। आंटी, हमारे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। बेटा मैं की करा, इत्थे कोई भी नहीं हैगा, कनाडा गए हुए हैं सारे। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हमारे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। हाँ तो चलो चलो जल्दी करो। चलो चलो दादाजी की मंजी उठाएं। नहीं बेटा, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अरे नहीं दादाजी, हार्ट के पेशेंट को कभी पैदल नहीं लेकर जाते, मैंने टीवी पे सुना था। चलो फिर उठाओ खटिया। अरे ध्यान से, गिरा मत देना। अरे बाप रे, मैं बच जाऊं। पापा जी, क्या हो गया था आपकी तबीयत को? बस कुछ नहीं बेटा। अरे मोहन, तू कब आया गांव से? सरदाजी अभी तुरंत आए हैं, मुझको पता चला कि आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। हाँ। अब कैसी है आपकी तबीयत सरदाजी? अब ठीक है बेटा, मुझे तो इन बच्चों ने बचा लिया। गांव तो पूरा खाली हो गया, सब कनाडा को चले गए, कोई कोई दुनिया से चला गया। यही बात मैं दिल को लगा बैठा। हर बच्चों ने मुझे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके गए तो तब मेरी जान बच गई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। पर पापा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको पता तो है गांव क्या, शहरों में भी हमारे सब जगह यही हाल है, पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में। अपना इंडिया छोड़कर, अपना पंजाब छोड़कर लोग विदेशों में भगा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए। आप अपने मन को और बात क्यों लगा के बैठे हो? दादाजी, मम्मी की बात बिल्कुल ठीक है। जब हम गांव में गए थे तो ज्यादातर घरों में तो ताले लगे हुए थे, और जब हमने आपके लिए मदद मांगी तो कोई तैयार ही नहीं था। और मम्मा, हमको सब घरों में लेडीज ही मिली, जेंट्स सारे बाहर जा रखे थे, और हम बच्चों ने मिलकर दादाजी को हॉस्पिटल भी पहुंचाया। शाबाश बच्चों। अगर हमारे बच्चे, नई जनरेशन सभी बाहर चले जाएगी तो यहाँ रहेगा कौन? अगर हमारे बच्चों की, हमारी नई पीढ़ी की सोच इस बच्चों जैसी हो जाए तो हमारा तो यही कनाडा है और यही अमेरिका है।
हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पिताजी, अगर यहीं पे रहकर हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, चाहे वो बच्चे शहर के हो या गांव के हो, उनको अच्छी एजुकेशन देंगे तो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कुछ ना कुछ बन के हमारे देश में क्यों अपना नाम रोशन नहीं करेंगे? जरूरी तो नहीं कि हमें बच्चों को पढ़ाई के नाम पे या काम के नाम पे बाहर ही भेजना है। सरदार जी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बोलो। सारे पंजाबी अगर यहीं रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो हम लोगों को कहाँ काम मिलेगा? हम लोग क्या करेंगे?